नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली के थाना भवन में लगातार हो रहे हादसों से प्रशासन जाग चुका है और अब प्राइवेट व रोडवेज बस की चेकिंग करनी शुरू कर दी गई है। दरअसल पिछले सप्ताह में थाना भवन में बस हादसों से कई लोगों की जान जा चुकी है, जिससे लोगों में काफी रोष व्याप्त है, जिसको लेकर जिला अधिकारी जसजीत कौर के आदेशों के अनुसार ARTO विभाग के द्वारा बसों की गहनता से जांच करनी शुरू कर दी गई है। बुधवार को थाना भवन कस्बे के चरथावल बस स्टैंड पर ARTO विभाग के द्वारा बसों की जाँच की गयी, जिसमें बस के कागजात और उनके फिटनेस की जांच की गई, जिसमें कई गाड़ियों के चालान किए गए। वहीं सभी बस चालकों को आदेशित किया गया है कि सभी अपनी गाड़ियों की फिटनेस जरूर करा कर रखें। नहीं, ये तो क्या आज जो चेकिंग कर रहे हैं जी, इसलिए जो कागज में कमी पाई जा रही है देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्या इन गाड़ियों की परमिट नहीं है? हाँ, परमिट है। परमिट है? हाँ, लॉकडाउन में वैलिड है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव दुदली में आयोजित बैठक में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन द्वारा ठाकुर रामधन सिंह निवासी नगला पिथौरा को मंडल उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा की उपस्थिति में सौंपी गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी बबली राणा के द्वारा टोपी पहनाकर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस उपलक्ष्य में ठाकुर बबली राणा के द्वारा कहा गया कि संगठन आशा करता है कि ठाकुर रामधन सिंह पद की जिम्मेदारी का निर्वाह सफलतापूर्वक करेंगे। इस मौके पर ठाकुर रामधन सिंह द्वारा निष्ठापूर्वक जिम्मेदारी का निर्वाह किसान एसोसिएशन में करने का वादा किया गया। वहीं उपस्थित पदाधिकारीगणों में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अमरीश राणा, प्रदेश प्रभारी बबली राणा, ठाकुर शामिर सिंह, ठाकुर तेजपाल सिंह, ठाकुर वेदपाल सिंह, प्रतिनिधि एसोसिएशन अध्यक्ष ठाकुर राकेश राणा आदि मौजूद रहे। स्वाभिमान एसोसिएशन की तरफ से जो मंडल उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है उसको निष्ठापूर्वक निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए ईमानदारी से काम करेंगे। आयोजन दुदली में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन की तरफ से गांव दुदली में ठाकुर रामधन नगड़ा पिथौरा को मंडल उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देते हुए हमने इन्हें ऐसा पद दे दिया जो जिससे अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाओगे और संगठन को जिम्मेदारी से निभाएंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड कार्यालय पर पंचायत राज विभाग द्वारा क्षेत्र के ग्राम प्रधानों व पंचायत सचिवों व CLTC चैंपियन को सुजल व स्वच्छ गांव के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत राज विभाग के द्वारा गांव को साफ सुथरा बनाने व सुजल की व्यवस्था करने के लिए चरथावल विकासखंड कार्यालय पर ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिव व CLTC चैंपियन को प्रशिक्षित करने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में मास्टर ट्रेनर शबि हैदर जैदी ने प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित ग्राम प्रधानों, ग्राम सचिवों व CLTC चैंपियन को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं गांव में स्वच्छ जल की व्यवस्था करने व गांव को स्वच्छ रखने के बारे में प्रशिक्षित किया गया। मास्टर ट्रेनर शबि हैदर जैदी ने प्रशिक्षण शिविर में जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में पानी की बेवजह दोहन को बंद करने व प्राकृतिक रूप से पानी को एकत्र कर उसका दुरुपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। वहीं गांव को स्वच्छ बनाने के लिए ग्राम प्रधानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। यहां पर ये भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर सन 2019 में जल जीवन मिशन का लॉन्च किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन और जल मंत्रालय को एक करके दोनों में प्रत्येक गांव में शुद्ध जल 2024 तक का लक्ष्य है इनमें कि प्रत्येक गांव में पाइपलाइन पेयजल के द्वारा शुद्ध जल दिया जाएगा। गांव को पहले ODF किया गया, हमारा पहले लक्ष्य था, अभी ODF प्लस पर कार्य हो रहा है, जिसमें ODF प्लस में गाँव में जो कचरा है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आएगा आपका जो गांव में कचरा है इसका कैसे निस्तारण किया जाएगा उसके संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है, और जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर है, जो पक्के गड्ढों से निकलने वाला पानी है उससे में जो वायरस होता है, कीटाणु होते हैं, उस पर कैसे कार्य करेंगे, उसमें एक सोप पिट के द्वारा उस ब्लैक वाटर को उसका निस्तारण करेंगे, या तालाबों को जो साफ करने के पर कार्य चल रहा है, जो ग्रे वाटर हमारा किचन से या रसोई मतलब नहाने के उससे निकलता है, तो उसमें जो पानी है उसको हम 20 सौ फीट के माध्यम से पानी का दोबारा से वो किया जाएगा उसमें, जिससे कि वो पानी हमारा गंदा पानी जो है वातावरण को प्रदूषित न करे। अच्छा, ये प्रशिक्षण कितने दिन चला और किसे किने किने दिया गया? ये 3 दिन तक प्रशिक्षण चल रहा है हमारा, इसमें स्वच्छाग्रही हैं, ग्राम पंचायत सचिव हैं और ग्राम प्रधान भाई हैं हमारे, इन लोगों को प्रशिक्षण।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र चौधरी ने छात्राओं को मिशन शक्ति के प्रति जागरूक करते हुए पढ़ाई के गुर सिखाए। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र चौधरी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रा छात्रों से कम नहीं है, क्षेत्र में छात्राएं आगे निकलकर देश में कमान संभाल रही है। उन्होंने छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि वह मेहनत करते हुए पढ़ाई करें और सफलता अर्जित करते हुए अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि वह एक लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ने का कार्य करें तथा अपने देश का नाम रोशन करें। साथ ही साथ उन्होंने छात्राओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूक करते हुए कहा कि जब भी मुसीबत हो तो वह हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करके सहायता पा सकते हैं, उनकी पूरी मदद की जाएगी तथा नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ऑल इंडिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आईएमए की मुजफ्फरनगर शाखा के सभी चिकित्सक सदस्य आगामी 11 दिसंबर को प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे की स्ट्राइक पर रहेंगे। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं और कोविड के इलाज की सुविधा बराबर जारी रहेगी। उपरोक्त जानकारी देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जनपदीय चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर एमएल गर्ग ने सर्कुलर रोड स्थित आईएमए भवन पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि गत 8 दिसंबर को भी ऑल इंडिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निर्देश पर सरकार के चिकित्सा शिक्षा में खिचड़ी तंत्र के विरोध में 2 घंटे के लिए 12 बजे से 2 बजे तक सांकेतिक आंदोलन किया गया था। इस दौरान सभी डॉक्टरों ने अपनी अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया था। आईएमए के कोषाध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर चंद्रा ने पत्रकारों को बताया कि मिक्सोथेरेपी एक पद्धति के चिकित्सक को दूसरी पद्धति के कार्यों की अनुमति देना चिकित्सक के स्तर और उनकी गुणवत्ता को कम करना है। सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी की परमिशन देकर उचित नहीं किया है। यदि सरकार ने अपने फैसले पर विचार नहीं किया तो आईएमए के बेहोश करने वाले डॉक्टर आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अपना सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। एलोपैथी के अंदर ही ज्यादातर है, दूसरी पैथीज के अंदर इतना डेवलपमेंट पिछले 50-100 सालों में भी नहीं हो पाया है। ये सर्वविदित है, मुझे इसमें किसी की बुराई भलाई करने वाली बात नहीं है। मैं होम्योपैथी को बहुत अच्छी पैथी मानता हूं। मैनी टाइम्स इट पेस लाइक एनीथिंग। आयुर्वेदिक को इतनी अच्छी पैथी मान रहा हूं कि कुछ चीजों में ये इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि हम लोग एलोपैथ भी देखते रह जाते हैं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि हर पैथी के अपने गुण और अवगुण हैं। इमरजेंसीज में जो रोल एलोपैथी कर सकती है वो कोई और पैथी नहीं कर सकती। अभी तक पिछले इतने वर्षों से डिकेड्स हो गए, सेंचुरी हो गई, सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जो हकीम जी हैं, जो आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, वो लोग अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन में काम कर रहे हैं। जो होम्योपैथी वाले हैं वो लोग होम्योपैथी में काम कर रहे हैं। जो लोग एलोपैथी वाले हैं वो लोग एलोपैथी में काम कर रहे हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इसको मिक्स किया जाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कुछ दिन पहले एक मॉडर्न आयुर्वेदिक के नाम से एक पैथ आई थी और उसमें कुछ हिस्सा जो है कि भाई थोड़ी बहुत जो एलोपैथी की दवाइयां हैं वो लोग इस्तेमाल करने लगे थे आयुर्वेदिक वाले। लेकिन इससे क्या होता है, एक पैथी विलुप्त होती चली जाती है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर निवासी पुष्पा पत्नी महेंद्र 50 वर्षीय खेतों में मजदूरी का कार्य करती थी। बुधवार की सुबह खेतों पर मजदूरी का कार्य करने के लिए वह जा रही थी। महिला जब गांव के एक मोड़ पर पहुंची तो पीछे से आ रही एक भैंसा बग्गी का भैंसा बिदक गया, जिस कारण महिला भैंसा बग्गी की चपेट में आने से काफी दूर तक घिसटती हुई चली गई। भैंसा बग्गी सवार 3 लोग भैंसा बग्गी सहित मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन महिला को जानसठ सरकारी चिकित्सालय में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर जानसठ पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के देवर सतीश पुत्र फूलचंद ने गांव के 3 लोगों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है। जनाब का क्या मामला हुआ? मामला है यार, मेरी बग्गी लेकर आते हैं उनकी, मेरी बग्गी में गिर गया थी तो उन्होंने झोपते का मोड़ पे यार मार दी थी, तो यह दीवार की तरफ भगा झोपता मेरी बग्गी भी जब मैं दिल जाते और दो चार और तो आ लेती है उसको कुछ करती तो दीवार से हड़ करा तो उसका पेट भिगा। उन्होंने कहा अरे मैं मर गई, उन्होंने घूम दी रोकती उन्होंने
नहीं लगा तो कर लिया मुजफ्फरनगर के एनईसी विभाग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर 3209 ट्यूबवेल ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर 36 सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राजस्व व बाढ़ नियंत्रण मंत्री विजय कश्यप ने सौंपे। वहीं 4 महिलाओं को भी नियुक्ति ट्यूबवेल ऑपरेटर की मिली है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 516 महिलाओं को ट्यूबवेल ऑपरेटर की सरकारी नौकरी मिली है, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपा। जिला पंचायत सभागार कार्यक्रम में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा मंत्री विजय कश्यप है जिलाधिकारी सेलवा कुमारी जे का फूलों का बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मंत्री विजय कश्यप, जिलाधिकारी सेलवा कुमारी जे, सीडीओ आलोक यादव सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, उसी के तहत आज सिंचाई विभाग में नलकूप ऑपरेटर के 3209 लोगों को ये नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे सहारनपुर मंडल में 81 लोगों को और 32 लोगों को मुजफ्फरनगर ज़िले में, इसमें 36 लोगों को, 32 लोगों को सहारनपुर में और 13 लोगों को शामली ज़िले का प्रमाण पत्र दिया गया है। और इसी नियुक्ति की एक विशेषता ये भी है, पहली बार इस पोस्ट के लिए महिलाओं ने अप्लाई किया और 516 महिलाएं प्रदेश में वो नियुक्ति प्रमाण पत्र आज प्राप्त कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता में आते ही जो बात कही थी, हम पूर्ण पारदर्शी तरीके से भर्तियाँ करेंगे। आज शिक्षा विभाग में, सिंचाई विभाग में और अन्य बहुत सारे डिपार्टमेंटों में पूर्ण पारदर्शी तरीके से वो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, पारदर्शी तरीके से भर्तियाँ की जा रही हैं पूरे प्रदेश में। अभी सिंचाई विभाग में पहले सहायक अभियंता की, उसके पश्चात जूनियर इंजीनियर की और आज ये नलकूप ऑपरेटर की भर्ती की गई है, जो बहुत ही पारदर्शी तरीके से की गई। देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में कृषि विधेयक को लेकर बागपत से बीजेपी सांसद व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जहां बागपत जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद ने कहा कि देश को आज़ादी 1947 में मिली थी, जबकि किसान को आज़ादी 2020 में मिली है, जो मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून द्वारा मिली है, जिससे किसान अपनी फसल कहीं भी जाकर अच्छे दामों में बेच सकता है। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि देश में और भी प्रदेशों में किसान हैं जिन्हें इस कानून से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ हरियाणा पंजाब के लोगों को ही आपत्ति है, और जो किसानों का धरना चल रहा है ये सब जानते हैं कि उनमें कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ या तो स्वार्थी लोग हैं या फिर उन राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल हैं जिनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। दरअसल बागपत से सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह आज बागपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर उनकी समीक्षा की। लगभग 62% भुगतान अभी तक हो चुका है और दूसरे हमारे जो कोऑपरेटिव मिल्स हैं उनका तो 85% के आसपास उनका भुगतान हो चुका है। मैंने आज इस बात को मैडम से, डीएम मैडम से और जिला गन्ना अधिकारी को कहा है कि मलकपुर मिल का भी ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान करने की जो है हमको प्रयत्न करना चाहिए। उनके पास स्टॉक में कितनी चीनी है, क्योंकि उनको कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर चीनी का जो भाव जिस प्रकार से गिरा है, लेकिन भारत सरकार उस पर कुछ इंसेंटिव दे रही है कि जो लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन बातों का फायदा उठा करके किसानों का भुगतान जल्दी से जल्दी हमको करना चाहिए। अच्छा, जो कृषि विधेयक है उन्हें काला कानून बता करके जो किसान है वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, कल बागपत में भी प्रदर्शन हुआ था, तो उस पर क्या कहना है आपका, क्या विपक्षी पार्टियों का एक ये राजनीति करी जा रही है, क्या है? देखिए, आज़ादी मिली 1947 में मिली, व्यापारियों को आज़ादी 1991 में मिली, लेकिन किसानों को आज़ादी ये हमारे जो 3 कानून बने इनके माध्यम से 2020 में मिली है। मोदी सरकार जो है किसानों को बंद करने नहीं, किसानों को आज़ादी देने के लिए आई है। कौन किसान नहीं चाहता हो कि उसकी फसल के ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिले, उसके ऊपर क्यों पाबंदी लगाई जाए कि वो केवल बागपत में बेचेगा, बागपत के बाहर जाकर के नहीं बेच सकता? कुछ लोग जो हैं, आप देखोगे इस देश के अंदर जो किसान हैं, सारे देश के अंदर किसान हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी हैं, तमिलनाडु में के अंदर भी है, आसाम के अंदर भी हैं, लेकिन क्यों किसान जो हैं पंजाब और हरियाणा के लोग ही क्यों इसमें जो है आंदोलन कर रहे हैं, इसको पीछे हमको झांकने की ज़रूरत है। कुछ स्वार्थी लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी जमीन खिसक चुकी है, निकल चुकी है, तो अपनी राजनीतिक जो है चमकाहट के लिए
और किसानों को बहकाना चाहते हैं, लेकिन उनमें कितने किसान आए हैं ये भी आप लोगों के आपके जो है छिपा हुआ नहीं है कि उसमें वास्तव में किसान कितने हैं। मैं बागपत के लोगों का जरूर धन्यवाद करना चाहूँगा कि बागपत में कुछ किसान यूनियन जिन्होंने जो है पद लिए हुए हैं दिए गए उनको छोड़ करके यहाँ के कोई भी किसान जो है न दिल्ली गए हैं न सड़कों पर आए हैं और न बागपत में बंद का कोई माहौल नजर आया है। बागपत जो है चलता रहा और इसलिए ये कानून मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूँ ये कानून किसानों की आज़ादी के लिए है, किसानों के हित के लिए है और किसानों को उनकी हर एक प्रकार की उनकी तरक्की के लिए है। बागपत के किसानों ने समर्थन भी किया है, कई गांव के जो किसान है वो तो कई गांवों ने बागपत के कई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जब ये कानून बने थे 93 गाँव के 93 गाँव के किसानों ने जाकर के भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री का जाकर के स्वागत किया था, सम्मान किया था, उनको समर्थन दिया था कि हम इन किसान कानूनों के हित में हैं। कल भी कई गांवों में किसानों ने इस बात के लिए प्रदर्शन किए और कहा कि हम इन किसी इन की कानूनों के पक्ष में हैं, इनके समर्थन में हैं। कोरोना काल में ये दिशा की आज पहली मीटिंग थी सभी अधिकारियों के साथ। हमारे जनपद में जितनी भी सरकारी योजनाएं चलती हैं उन सब की आज समीक्षा की गई और मुझे बताते बड़ा हर्ष है कि कोरोना के काल में हमारी बागपत की डीएम श्रीमती शकुंतला गौतम जी के नेतृत्व में उनके सभी अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बहुत अच्छा काम किया है और उनकी न केवल उत्तर प्रदेश शासन में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका जो है अभिनंदन किया गया है। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत योजना के अंदर गोल्डन कार्ड जो बनते हैं जो पात्र हैं उसमें बागपत का जो है प्रथम नंबर उत्तर प्रदेश में आया है। इसी तरह से कोरोना के काल में जो हम जिसको हम सामाजिक सेक्टर बोलते हैं सामाजिक सेक्टर के अंदर वृद्धा अवस्था की जो पेंशन है वो हम लोगों ने इसमें 5,770 जो बढ़ी हैं और जो विधवा पेंशन है निराश्रित महिला उसमें 1,397 लगभग 1,400 उसमें बढ़ी हैं और 123 जो है अपने दिव्यांगों की पेंशन उसमें बढ़ी हैं। तो इसी तरह से हमारे इसमें जहाँ तक विकास का कार्य बहुत अच्छा बागपत में चल रहा है उसमें मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करूँगा कि जब तक कोरोना का हम ये नहीं कह सकते जब तक ये बार बार इस बात का हम प्रचार हम लोग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीन जब तक दवाई नहीं तब तक इसमें हम कोई ढिलाई नहीं करें। इसलिए आप लोगों के माध्यम से सभी से मैं अपील करूंगा कि हम लोग मास्क का प्रयोग करते रहें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें, सैनिटाइज़र नहीं तो कम से कम साबुन से हाथ धोते रहें और जिसको हम सामाजिक दूरी हैं सामाजिक दूरी हम लोग बना करके रखें। सर आपके प्रयासों से बागपत जिले में कई विकास कार्य हो रहे हैं और यहाँ पर कई हाईवे भी निकाले जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ है और किस तरीके के विकास? देखिए आप लोगों को मालूम है कि आप सब लोगों के सहयोग से सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को सबसे पहले दिल्ली की थी तो दिल्ली सहारनपुर का जो काम है वो करीब करीब अभी ख़त्म हो रहा है। मुझे लगता है कि अगले कुछ ही दिनों में दिल्ली सहारनपुर जो हमारा हाईवे है राष्ट्रीय महामार्ग है इसका जो उद्घाटन होने जा रहा है। मेरठ से बागपत का राष्ट्रीय महामार्ग वो बन रहा है। इसी तरह से हम लोग जो है एक तीसरा जिसको हम दिल्ली से देहरादून का जिसको आर्थिक कॉरिडोर बोलते हैं 118 किलोमीटर लंबा वो बनने जा रहा है बागपत से और मेरा उसका जो है उसका 3A हो चुका है 3A हो चुका है 3D होने जा रहा है। उसमें जल्दी ही जमीन की अधिग्रहण का जो कार्य शुरू होगा और दिल्ली से ये देहरादून जाने वाली जब ये हमारा 6-लेन हाईवे तैयार हो जाएगा निश्चित रूप से बागपत जो है मुझे को लगता है कि सबसे दिल्ली के चारों तरफ जितने भी क्षेत्र हैं अब सबसे ज़्यादा आगे होने वाले जो विकास के कार्य हैं वो बागपत के अंदर होंगे। बागपत के किसानों को बागपत के व्यापारियों को बागपत के युवाओं को सभी लोगों को यहाँ पर जो है बहुत उसका बहुत बड़ा फायदा उसको मिलेगा। बागपत के किसानों को सबसे बड़ी समस्या भुगतान की आती है तो आपकी तरफ से क्या प्रयास किया गया क्योंकि आपने चिट्ठी भी लिखी है? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है विशेष रूप से क्योंकि हमारा क्षेत्र गन्ना बहुल क्षेत्र।
बागपत में दो टैक्सी चालकों में लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। सवारी बैठाने को लेकर दो टैक्सी चालकों में जमकर मारपीट हुई। सड़क पर सरेआम दोनों में लात घुसे चले, जिसका मौके पर मौजूद लोगों ने लाइव वीडियो बना लिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। घटना के बाद मौजूद लोगों ने दोनों ड्राइवरों का बीच बचाव कराया। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के सोनीपत बस स्टैंड पर सामने आई है, जहां सोनीपत से बागपत टैक्सी चलाने वाले दो ड्राइवर आपस में भिड़ गए और सड़क पर ही दंगल हुआ। जनपद शामली के झिंझाना में शातिराना तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है, जिसमें झिंझाना पुलिस के द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान, एक गैस सिलेंडर, समरसिबल का स्टार्टर व पंखा भी बरामद किया गया है। झिंझाना थाना प्रभारी सर्वेश कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक अभियुक्त इमरान पुत्र जाहिद गाँव पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली व दूसरा अभियुक्त राशिद पुत्र कामिल गाँव भूरा थाना कैराना जनपद शामली का निवासी है, जिनको कस्बा झिंझाना के मोहल्ला ज्ञानपुरी निवासी इसरार इमरान व पुत्र इस्लाम के मकान में चोरी करते हुए पकड़ा गया है, जिसके संबंध में अभियुक्त गणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में कोरोना वायरस कोविड-19 के लगातार बढ़ने के बाद सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराने हेतु पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते कागल हेडी में पुलिस ने बिना मास्क लगाए लोगों के चालान काटे। एसएसपी डॉक्टर एस चनापा के आदेशानुसार पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में कागल हेडी थाना प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह के दिशा निर्देश पर उप निरीक्षक अनिल कुमार द्वारा पुलिस टीम के साथ कागल हेडी चौक पर बिना मास्क लगाए आवाजाही कर रहे लोगों को रोककर दर्जनों के चालान काटे गए। इस दौरान लोगों में खलबली सी मची रही, कुछ लोग तो पुलिस को देख रास्ता बदलकर निकलते नजर आए। उप निरीक्षक अनिल कुमार ने कहा कि कोविड-19 के चलते कोरोना से बचाव हेतु एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने तथा मास्क लगाने से ही संक्रमण से बचा जा सकता है। सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे और बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करके खुद को भी बचाएं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। सहारनपुर के गागल हेडी में मुजफ्फरनगर रोड एसआर पब्लिक स्कूल के सामने दया शुगर मिल में जा रही गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे हाईवे पर एक साइड का रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिसमें ट्रैक्टर ड्राइवर बाल बाल बच गया। गनीमत ये रही कि कोई आसपास नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के कारण एक लाइन अवरुद्ध होने पर डिवाइडर के ऊपर से वाहन निकलते रहे। ट्रैक्टर ड्राइवर की माने तो ट्रॉली अचानक बैलेंस बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।